हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो ECIL की तरफ से निकल कर आ रही है। डिप्लोमा और बीटेक वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच इसके एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट गेट है, जिसमें आप लोग को सैलरी 90,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक PSU है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सैलरी 40,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 45,000 पर मंथ, थर्ड ईयर में 50,000 और फोर्थ ईयर में 55,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 90,000 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सैलरी 25,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर में 28,000 पर मंथ और थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 31,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 65,000 पर मंथ मिल जाएगी। और लास्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सैलरी 24,500, सेकेंड ईयर में 26,950 और थर्ड एंड फोर्थ ईयर में 30,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 62,000 पर मंथ मिल जाएगी। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहीं पे अलग अलग जोन के हिसाब से वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट बात करते हैं चेन्नई यानी कि साउथ जोन के लिए, जिसमें फर्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का BTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली यानी कि नॉर्थ जोन के लिए, जिसमें फर्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से 4 साल का BTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 4 साल का BTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मुंबई यानी कि वेस्ट जोन के लिए, जिसमें फर्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और IT में से 4 साल का BTEC किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बेंगलुरु साउथ जोन के लिए, क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स है वहीं पे सेम है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। और लास्ट है कोलकाता ईस्ट जोन के लिए,
क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है वो भी यहीं पे सेम रखा गया है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए आपके बीबीटेक और डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 ईयर्स का रखा गया है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 ईयर्स और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स तो रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। उसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए 5 ईयर्स और प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में ही पे डायरेक्ट वॉक इंटरव्यू रखा गया है। इसमें जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उस टाइम आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेके जाना होगा, जिसमें फर्स्ट इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आप लोगों को अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स टाइटल्स इस नोटिफिकेशन में मेंशन है आप लोग को उस डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेके जाना होगा। और आप लोग जो भी जोन के लिए अप्लाई करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरव्यू का वेन्यू यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता के लिए वॉक इंटरव्यू के लिए डेट रखा गया है 4th मार्च 2024 और बेंगलुरु डिवीजन के लिए वॉक इंटरव्यू के लिए डेट रखा गया है 6th मार्च 2024। इसमें फर्स्ट होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट होने के बाद अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग का सेम डे पे इंटरव्यू होगा। बीबीटेक और डिप्लोमा का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को मैक्सिमम 20 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके 30 मार्क्स और इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स यही है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और उसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।